हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू थ्रो लाइट एडिशन ऑफ इंटीजर्स। आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो पढ़े होंगे, सिंपल नंबर्स का, सिंपल डिजिट का तो आराम से पढ़े होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन यहां थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट होता है मीन्स इंटीजर्स में तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इंटीजर्स आते हैं। उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, देखो यदि देखा जाता है तो इस पर रूल्स पर हम चलते हैं। जब दो या दो से अधिक पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं, याद रखो जब दो या दो से अधिक पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो सम हमेशा पॉजिटिव होता है, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। इसीलिए रूल द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स और नंबर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। एग्जाम्पल 5 + 8 = 13, 5 भी पॉजिटिव है और 8 भी पॉजिटिव है और सम इसका कितना है 13 है, ये सम जो है सो 13 हुआ। इसी तरह से 512 + 603 यानी दोनों पॉजिटिव है, 512 और + 603 दोनों पॉजिटिव है, इसका रिजल्ट जो है सो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये तो दो ही नंबर्स का है, दो ही डिजिट इंटीजर्स का है, चाहे कितना भी इंटीजर्स रहे सबका रिजल्ट पॉजिटिव होगा, सबका सम पॉजिटिव होगा। एक चीज और आपको मैं मार्क कर दे रहा हूँ, यदि इंडिपेंडेंटली कोई इंटीजर्स लिखा जाता है जैसे 5, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है। इसके पीछे कोई अगर साइन सिंबल नहीं है, साइन नहीं है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसको आप मान कर करके चलेंगे। दूसरा रूल है आपका कि द सम ऑफ पॉजिटिव, यहां पर देखो आई फॉर इंटीजर्स और एन फॉर नंबर्स, आई फॉर इंटीजर्स और एन फॉर नंबर्स। यदि पॉजिटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव नंबर्स और निगेटिव इंटीजर्स निगेटिव नंबर्स का सम पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि इस ऑपरेशन में आने वाले पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स में एब्सोल्यूट वैल्यू किसका ज्यादा है। एब्सोल्यूट वैल्यू पर डिपेंड करता है कि सम जो निगेटिव होगा या सम पॉजिटिव होगा। जैसे आप देखते हैं यहां पर 18, द सम ऑफ 18 एंड -26, इसमें 18 पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर है, और -26 निगेटिव नंबर है। अब इसको हमें सम निकालना है, सिंस इसको ऐसे लिखेंगे 18 प्लस, चूंकि सम लेना है, प्लस -26। तो जब निगेटिव रहता है, निगेटिव इंटीजर्स होता है, तो इसके साइन को हम सम लेने में, एडिशन करने में अपोजिट कर देते हैं, निगेटिव को पॉजिटिव में बदल, ये साइन को हम हटा देते हैं और इसको केवल लेते हैं, तो 18 - 26, ठीक है, 18 - 26। हम -8 हुआ, -8 क्यों हुआ, चूंकि 26 - 26 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है 26 है, और 26 यानी ग्रेटर नंबर है 26, इसलिए 26 का जो साइन है वही इसके साइन रहेगा। इस नियम को आप हमेशा फॉलो करेंगे। यहां पर देखिए -8 + 12, आप -8 + 12 को ऐसे भी लिख सकते हैं, जस्ट रिप्लेस कर दे सकते हैं 12 - 8, तो यहाँ क्योंकि 12 ग्रेटर नंबर है, इसका साइन पॉजिटिव है, तो ये 4 पॉजिटिव हुआ। इसलिए द सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स और नंबर्स एंड निगेटिव इंटीजर्स और नंबर मे बी पॉजिटिव और निगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द साइन माइनस प्लस ऑफ ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू इंटीजर्स। जिसका ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू होगा उसी के ऊपर इसका निर्भर करता है कि सिंबल क्या होगा। ये तो केवल दो, इसमें एक और रूल है कि यदि एक और रूल है, इसमें आप देख सकते हैं इसको, द सम ऑफ टू और मोर इंटीजर्स / नंबर्स इज ऑलवेज निगेटिव
दो या दो से अधिक निगेटिव इंटीजर्स का सम हमेशा हमेशा निगेटिव होता है। जैसे द सम ऑफ 12 एंड माइनस 12 एंड माइनस 15, ये देखिए दोनों निगेटिव है, यानी माइनस 12 प्लस माइनस 15 और माइनस 12 माइनस 15 बराबर माइनस 20। इस तरह से दो या दो से अधिक निगेटिव इंटीजर्स का सम हमेशा निगेटिव होता है, इस नियम को भी आप फॉलो करेंगे, पालन करेंगे। दैट्स ऑल, पॉज। हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, नाउ कम टू सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। दिस इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में थोड़ा सा परेशानी होगी, लेकिन एक बार समझ जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। देखो एक्चुअली होता क्या है कि सब्ट्रैक्शन कोई फंडामेंटल ऑपरेशन नहीं है, एडिशन का ही इनवर्स है, यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर इनवर्स ऑपरेशंस, एक दूसरे के एडिशन का उल्टा ऑपरेशन ही सब्ट्रैक्शन है। मतलब कि जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स के निगेटिव को ऐड कर देना ही सब्ट्रैक्शन है। इंटीजर्स, समझ रहे हैं ना, इंटीजर्स के अपोजिट को यानी इनवर्स को ऐड करना ही सब्ट्रैक्शन कहलाता है। सपोज करो, एक यहां पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, दो इंटीजर्स है, एक है 8 और एक है माइनस 12। 8 है 8, एक है 8 एंड दूसरा है माइनस 12। आपका क्वेश्चन ये है कि सब्ट्रैक्ट माइनस 12 फ्रॉम 8, सब्ट्रैक्ट माइनस 12 फ्रॉम 8, माइनस 12 से माइनस 12 को 8 से सब्ट्रैक्ट करना है। व्हेन वी राइट दिस, यू राइट दिस इन दिस वे, 8 माइनस माइनस 12, 8 माइनस माइनस 12 यानी सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम 8, फ्रॉम 8, 8 से माइनस 12 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या होगा, 8 माइनस माइनस 12। अब यहां पर मैंने कहा कि सब्ट्रैक्शन इनवर्स है एडिशन का, जस्ट उल्टा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अंडू करते हैं, कैंसिल करते हैं, वैल्यू को कैंसिल कर देते हैं। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर हम क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, कि जो सब्ट्रैक्शन का साइन होता है, सब्ट्रैक्शन का जो साइन होता है उसको हम चेंज कर देते हैं। इसके दो रूल हैं, चेंज द सब्ट्रैक्शन साइन टू एन एडिशन साइन, यहां जो सब्ट्रैक्शन साइन जो होता है इसको हम चेंज कर देते हैं, समझ रहे हैं ना, इसको हम चेंज कर देते हैं, और चेंज करने के बाद इसके साइन को भी हम चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद हम नेक्स्ट नंबर के साइन को भी चेंज कर देते हैं, और उसके बाद क्या आता है, तो देखिए पहले फर्स्ट इस साइन को चेंज करते हैं, 8 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस टू प्लस, और इसके साइन को भी चेंज करते हैं, यानी माइनस 12 है तो क्या हो जाएगा, सीधा 12 हो जाएगा। तो ए आंसर आपका क्या आया, 20, यानी 8 माइनस माइनस 12, 8 माइनस माइनस 12 इक्वल टू 20। इसको दोनों नियम के अनुसार चेंज किए, फर्स्ट चेंज द सब्ट्रैक्शन साइन टू एन एडिशन साइन, सब्ट्रैक्शन साइन को एडिशन साइन में चेंज कर दिए, और इसका भी साइन चेंज कर दिए, ब्रैकेट हटा दिए, तो 8 प्लस 12 इक्वल टू 20। स्टॉप, पॉज।